हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसमें आज दो बड़े अपडेट आए हैं जिसके बारे में बात करेंगे और इसका असर शेयर पर क्या पड़ सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप जो कि काफ़ी बॉटम आउट हो चुका है अभी, और अभी 14 रुपीज़ 90 पैसे पर आ चुका है, एकदम ही एक तरह से ब्रेक डाउन हो चुका है ब्राइटकॉम ग्रुप में। बट आज थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोज हुआ है, 0.70%। बट एमओ ऑर्डर लगी हुई है सेलिंग के लिए 1,81,000 शेयर्स की, 1,81,000 की शेयर्स की एमओ ऑर्डर लगी हुई है सेलिंग के लिए। तो अभी भी लोग एग्जिट करने का ही सोच रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप में। एनएससी और बीएससी मिलाकर 3,40,00,000 के आसपास शेयर ट्रेड हुए। वॉल्यूम तो ठीक हो रहा है बट डिलीवरी परसेंटेज अभी भी कमी देखने को मिल रहा है, ओनली 30%। फ्रेंड्स, आज कंपनी की ओर से अपडेट आया। अपडेट में कंपनी ने क्वार्टर टू के रिजल्ट के बारे में बताया है। उसमें उन्होंने कहा है कि हमने 5 मार्च को आपको बताया था क्वार्टर टू के रिजल्ट के बारे में, और उन्होंने यही कहा है, वी कंटिन्यू टू प्रायोरिटाइज ट्रांसपेरेंसी एंड मेटिकुलरनेस एज आवर न्यू स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स फाइनलाइज देयर रिव्यू ऑफ आवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर द हाफ ईयर एंडिंग सितंबर 30। प्लीज बी इन्फॉर्म दैट वी वुड बी scheduling a board meeting with a critical agenda to examine the auditors limited review of our Q2 result. This step is crucial for the integrity and accuracy of our financial reporting, ensuring we uphold the highest standards. गोल गोल बातें की है। इन शॉर्ट उन्हें पता है कि बहुत हो हल्ला मच रहा है इन्वेस्टर कम्युनिटी में Q2 के रिजल्ट के बारे में, जबकि उन्होंने उसके बारे में एक स्नैपशॉट दिया था, आइडिया दी थी, बट ऑडिट रिपोर्ट आने के लिए अभी डिले हो रहा है। उन्होंने जो टाइमलाइन दी थी वो एक्सपायर होने के कारण मजबूरी में ब्राइटकॉम के मैनेजमेंट की ओर से, जिसको साइन किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर कलोल सेन, इन्होंने तो इंश्योर, उन्होंने ये बताया है कि काम चल रहा है, हम लोग ध्यान से कर रहे हैं, कुछ गलती नहीं होना चाहिए, इसलिए भाई ऑडिटर अपना रिपोर्ट देंगे, फिर हम लोग उसको एग्जामिन करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उसके बाद पब्लिश करेंगे, और पब्लिश एनएससी बीएससी पर हम लोग पब्लिश करेंगे, ऐसा कंपनी ने कहा है। मतलब कुछ नया नहीं है, कंपनी के ओर से अभी भी डिले हो रहा है, यही हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी यह थोड़ा सा एक निगेटिव ही बात है कि इतना टाइम होने के बावजूद भी क्वार्टर टू के रिजल्ट कंपनी पब्लिश नहीं कर पा रही है। ये भी पॉसिबल है, देखिए ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है सब नए नए हैं, डर रहे हैं वो लोग, वो नहीं चाहते उनसे कोई गलती हो और कोई पचड़े में कोई प्रॉब्लम में फंसे, इसीलिए वो शांति से सब काम कर रहे हैं। क्योंकि पहले के जो मिस्टर राजू थे या मिस्टर सुमेश कुमार रेड्डी थे वो सब कुछ जानते थे, बट इन लोगों को सब समझने में टाइम लग रहा है, इसीलिए ये डर डर के सब चीज़ें फूक फूक के कदम रखना जो कहते हैं वो ये लोग कर रहे हैं। वो उनको ये भी पता है कि अभी सेबी का भी जो है उनके ऊपर वॉच है, ईडी में भी कोर्ट में केस चल रहा है, तो वो कहीं भी गलती नहीं करना चाह रहे हैं, इसीलिए इतना डिले हो रहा है। बट डिले होने की एक हद होती है। क्वार्टर टू अभी ख़त्म होकर 6 महीने हो गए हैं, और 6 महीने में एक क्वार्टर का रिजल्ट पब्लिश नहीं कर पा रही कंपनी, ये सच में काफ़ी डिसअपॉइंटिंग और दुख की बात है। उसमें उन्होंने ये भी कहा है दूसरा नोटिफिकेशन जारी करके कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है मिस मेघना मुसुनोरी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, रिजिग्नेशन दे दिया है फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कमेटी। अब उन्होंने इसमें लिखा है ड्यू टू पर्सनल रीजंस। फ्रेंड्स देखिए, मैं पहले भी आपको बताया था जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था कि ये एजुकेटर है, मतलब टीचर है, एक तरह से टीचर है, एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाली वो लेडी थी मिस मेघना। उन्होंने देखा होगा कि भाई ये क्या अपने बस की बात नहीं है, ईडी का जो ईडी में कंपनी पे केस चल रहा है, सेबी में चल रहा है, तो अपना करियर ख़राब ना हो जाए, ये डर के मारे उन्होंने इसमें से इस्तीफा दे दिया होगा। क्योंकि उनको काफ़ी लोगों ने समझाया होगा कि भाई तुम यंग हो, तुम्हें अभी समझ में आ नहीं रहा है, तुम टीचर हो, तुम्हें कॉर्पोरेट के प्रॉब्लम में समझ में नहीं आएंगे, और कुछ भी हुआ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पकड़ती है जो भी इलीगल बॉडीज होती है, तो वो डर के मारे शायद उन्होंने इस्तीफा दे दिया होगा, क्योंकि अभी भी बातें क्लियर होना बाकी है। तो ये कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, रिजिग्नेशन दे दिया है। तो ये दो अपडेट कंपनी की ओर से आए हैं जो कि काफ़ी निराशाजनक है। एक्चुअली अभी जो फेड की मीटिंग है आज, उसके कारण भी मार्केट डरा हुआ है, तो अगर उसमें कुछ पॉजिटिव हुआ और वर्ल्ड मार्केट फिर से रिकवर होना शुरू हुए,
तो बैटका ग्रुप का शेयर भी रिकवर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, काफ़ी गिर चुका है, बट ये नहीं है कि बहुत भागते रहेगा। काफ़ी लोग क्या करते हैं, थोड़ा भी रिकवर हुआ तुरंत बाय करना शुरू कर देते हैं। मैं बार बार कितनी बार वीडियो में बता चुका हूँ कि जब तक कोई बड़ी स्ट्रांग जो जब तक न्यूज़ नहीं आती है ब्राइटकॉम ग्रुप में, अभी एवरेज करना या न्यू बाइंग करना अवॉइड करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप किसी से कंसल्ट करके इस बारे में डिसीजन ले सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई गिरा हुआ है इसलिए ले लेना, थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं मैनेजमेंट की ओर से अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है क्या हो रहा है, ना ही नए CEO CFO का अपॉइंट किया जा रहा है, ना ही AGM का कोई ठिकाना है, तो अभी काफ़ी चीज़ें पेंडिंग है। एक्चुअली AGM तो कॉल करने में कोई बात थी नहीं, कोई दिक्कत थी नहीं, AGM भी डिक्लेयर क्यों नहीं कर रही कंपनी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि AGM में ऑडिटर का जब तक अपॉइंटमेंट कन्फर्म नहीं होगा, जब तक वो भी ऑडिट रिपोर्ट पर साइन नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सब डिले अभी बहुत लंबा चलेगा ऐसा दिख रहा है। प्लस ROC की ओर से भी इंक्वायरी चल रही होगी, रजिस्टर ऑफ कंपनी की ओर से ED कोर्ट में तो केस चल ही रही है, SAT कोर्ट में भी चल रही है। तो जब तक बड़ा कोई आउटकम आता नहीं है, शेयर थोड़ा सा ही रिकवरी दिखाएगा और फिर से साइडवेज जाएगा, ऐसा देखने को लगता है। अभी इस अपडेट का कल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बट मार्केट रिकवर होगा तो शेयर थोड़ा बहुत रिकवर होगा, बट बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागेगा और हमने तुरंत भर भर के बाय कर लेना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बाकी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।